अगर आपने इस प्रोडक्ट को सही तरीके से यूज़ कर लिया तो आपको और किसी भी स्किन केयर की खास ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, अगर आप इसको सही तरीके से सही टाइम पर यूज़ करेंगे तो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में टू दी पॉइंट बात करेंगे स्किन केयर से रिलेटेड। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ द ऑर्डिनरी के नायासिनामाइड के बारे में। अगर आपको क्लोज कॉमिडोन्स का प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन का प्रॉब्लम है और आपको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स का प्रॉब्लम है, तो ये तमाम प्रॉब्लम्स को जो है काफ़ी हद तक आपके हल कर देगा, क्योंकि नायासिनामाइड जी की जो कंसंट्रेशन है इसमें 10% तक है। इसलिए मैं दी ऑर्डिनरी का जो है वो रिकमेंड करूँगी, लेकिन अगर जिनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो आप किसी और ब्रांड में भी इसको नायासिनामाइड को ले सकते हैं, जिसमें कम कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको नायासिनामाइड मिले। और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जिसमें आपको नायासिनामाइड ईजिली मिल जाएगा। दी ऑर्डिनरी के बारे में मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इसमें नायासिनामाइड जो है वो 10% है और जिंक जो है 1% है। ये दोनों जो है आपस में मिलके बहुत अच्छा वर्क करते हैं आपकी स्किन के बैरियर को हील करने के लिए। अगर आपकी स्किन का बैरियर डैमेज हो चुका है और आपको दाने हैं स्किन पर बारीक बारीक, क्लोज कॉमिडोन्स किसे कहते हैं, जो आपकी स्किन के अंदर बारीक बारीक दाने होते हैं, बाहर आपको फील नहीं होते लेकिन हाथ लगाने से आपको फील होता है कि आपकी स्किन जो है वो टेक्सचर्ड हो गई है, इन चीज़ों को जो है वो क्लोज कॉमिडोन्स कहते हैं। तो दी ऑर्डिनरी का नायासिनामाइड जो है इस चीज़ के लिए बहुत ही बेस्ट वर्क करता है, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मुझे लास्ट 2-3 मंथ पहले क्लोज कॉमिडोन्स का प्रॉब्लम हो गया था, तो उसको मैंने किस तरीके से हल किया वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन इसका सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो ये आपकी स्किन पर साइड इफ़ेक्ट भी ला सकता है, लाइक आपको एक्नीज आ सकते हैं और भी स्किन आपकी इरिटेट भी हो सकती है। तो मैंने इसको किस तरीके से यूज़ किया, मैंने इसको स्किन और इनके साथ लेयरिंग करके यूज़ किया, लेकिन वो मैंने किस तरीके से यूज़ किया वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। स्किनोरिन जो है ये एजलिक एसिड है, ये भी आपकी स्किन पर बहुत अच्छा वर्क करता है। ये आपको ओवर द काउंटर भी कहीं से मिल जाता है, लेकिन उसकी जो प्राइस है थोड़े हाई हैं, इसलिए स्किनोरिन जो है वो आपको ईजिली बजट फ्रेंडली किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगी 500-600 में। इसमें एजलिक एसिड जो है 10% तक मौजूद है, ये भी आपकी स्किन पर बहुत अच्छा वर्क करता है। लेकिन आपने इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आपने वीक में 2 टाइम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करना है। सबसे पहले पहले हफ्ते में आपने 2 बार, दूसरे हफ्ते में आपने 3 बार, तीसरे हफ्ते में आपने 4 बार, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपने अपनी रूटीन में इसको ऐड ऑन करना है। जब आपकी स्किन पर ये सूट कर जाए तो आप इसको हफ्ते के 7 दिन आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूज़ कैसे करना है, ओनली नाइट टाइम में आप इसको यूज़ करेंगे और डे में आप ज़रूर मस्ट है कि आप सनब्लॉक यूज़ करें। और नाइट में आपने अपना फेस वॉश करने के बाद सबसे पहले आपका फेस हल्का सा वेट होना चाहिए, तब आपने 2-3 ड्रॉप जो है वो आपने सीरम के अप्लाई करने हैं, जो कि नायासिनामाइड सीरम है। जब आपकी स्किन में सीरम अच्छे से बैठ जाए 5 मिनट तक आपने वेट करना है, फिर एक मटर के दाने के बराबर आपने एजलिक एसिड लेनी है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि ये एक ट्रीटमेंट है, ये कोई भी ब्यूटी क्रीम नहीं है, ये एक ट्रीटमेंट क्रीम है जो कि आपकी फ्रैकल पर भी वर्क करती है, अनइवन स्किन टोन को हील करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, रेडनेस को कम करती है। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करें तो। अपने पी साइज़ में इसको अप्लाई करने के बाद आपने इसको हल्के हाथ से ब्लेंड कर लेना है और मॉर्निंग में किसी भी अच्छे फेस वॉश के साथ अपना फेस वॉश करें और उसके बाद फिर आप अपने फेस पर सनब्लॉक अप्लाई करें। ट्रस्ट मी, आपके आधे से ज़्यादा स्किन के मसले जो हैं वो ये 2 प्रोडक्ट यूज़ करने से ही हल हो जाएंगे। अगर आपको फर्दर बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की कोई फ्रैकल हैं तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, फ्रैकल के लिए आप कौन से प्रोडक्ट जो हैं इन्हीं के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो हैं ये साथ साथ आप यूज़ करेंगे, लेकिन इसके साथ 1-2 प्रोडक्ट जो और हैं वो भी आपको ईजिली जो हैं वो फार्मेसी से ईजिली मिल जाएंगे बजट फ्रेंडली, वो भी आप इसके साथ यूज़ करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अगर आपकी फेस पे बहुत ज़्यादा टाइम पहले बहुत पुरानी फ्रैकल्स हैं इसलिए, अदरवाइज़ ये 2 प्रोडक्ट भी आपके स्किन केयर में ऐड कर लें तो बहुत अच्छी आपकी स्किन के तमाम प्रॉब्लम जो हैं वो हल हो जाएंगे। आप ये यूज़ करें, मुझसे ज़रूर इसके रिज़ल्ट शेयर करें। कम से कम आप इसको 1 महीना 30 डेज़ के लिए यूज़ करें, 30 डेज़ के बाद मुझसे ज़रूर इसके रिज़ल्ट शेयर करें कि आपको इसके रिज़ल्ट कैसे लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।